गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। अच्छी बात है कि गॉसिप नहीं देख रहे, अपनी जिंदगी को बेहतर करने का तरीका ढूंढ रहे हैं। अपनी तो अपनी, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी बात करते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम से लेकर ब्यूटी तक हर एरिया में बात करते हैं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ आप ज्यादा से ज्यादा सवाल भेजें, ताकि उनके हल, उनके जवाब हम खोज निकालें। आज क्या क्या लाए हैं आपके लिए जानना चाहेंगे? आपका बच्चा भी क्लास में आएगा फर्स्ट। बच्चे की याददाश्त बढ़ाने वाला सबसे अचूक नुस्खा। छूने से दूर भागेंगी बीमारियां, आपकी उंगलियां करेंगी कमाल। ऑफिस में अपने दोस्त की करे मदद, नेगेटिविटी भागेगी दूर। घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनने वाले ब्यूटी टिप्स। राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टाइम और दिन को अच्छा बनाने वाली लकी टिप। आज मैं आपको एक स्पेशल कलर के बारे में बताऊंगी, वही कलर जो मैंने पहना भी हुआ है, येलो कलर। कुछ स्पेशल सीक्रेट्स येलो कलर के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले वर्कर्स की बात। को वर्कर नेगेटिविटी मैनेजमेंट, यानी कि आपस में कैसे हो बढ़िया काम, ये तरीका जानिए। जहां आप जॉब या काम करने आते हैं, वहां आपके साथ कई और लोग भी, जिनको हम को वर्कर्स कहते हैं, काम करते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके किसी को वर्कर में नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इन टिप्स के साथ, मतलब इन टिप्स की मदद से, आप उसकी और लोग भी, जिनको हम को वर्कर्स कहते हैं, काम करते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके किसी को वर्कर में नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इन टिप्स के साथ, मतलब इन टिप्स की मदद से, आप उसकी नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। अपने को वर्कर की कंप्लेंट्स को आपको सुनना चाहिए। कभी कभी लोग अपनी नेगेटिव स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। तो अपने कोवर्कर से क्वेश्चंस पूछें और उसकी कही बातें क्लैरिफाई कर उसको यकीन दिलाएं कि आप उसकी सारी कंप्लेंट सुन रहे हैं। हम सबको जिंदगी में एक कान चाहिए होता है। किसी से प्यार हो तो ऐसे लगता है कि उसको बात सुना दे। कोई नेगेटिविटी आए, लगता है कहीं कोई हमारी बात सुन ले। कोई सलाह चाहिए तो बोलकर ऐसे लगता है कि कोई सुनने वाला हो, तो सुने। अगर आपको यकीन है कि आपके कोवर्कर की नेगेटिविटी में सच्चाई है, तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी मदद कीजिए, उसे सलाह दीजिए, उसकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए उसे आइडियाज दीजिए, उसे बुक्स, सेमिनार्स या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की मदद दिलवाने की कोशिश भी करिए। और ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी कोई कोवर्कर सिर्फ ये चाहता है कि आप उसकी नेगेटिविटी से भरी हुई कंप्लेंट सुन ले, बस सुन ले, उसे कोई सलाह ना दे। जब आपको ऐसा दिखे कि कोई बहाना बनाकर आपको भाग जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई ट्रैश कैन थोड़ी ना है कि किसी की नेगेटिविटी लेते जाएंगे। अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोवर्कर की नेगेटिव कंप्लेंट्स बेवजह हैं, तो उसे ये बताने की हिम्मत करें। अगर आप उसकी बात सुनते रहेंगे, तो आप उसकी नेगेटिव फीलिंग्स को और बढ़ा रहे हैं और उनकी उसके नेगेटिव पैटर्न को बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो आप इस मैनेजमेंट टेक्निक को यूज कर अपने कोवर्कर के मन के अंदर से नेगेटिविटी दूर निकालने में मदद कर सकते हैं और उसकी एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकते हैं, और आप सुपर अच्छे बनेंगे। क्या है आपका आज का स्पेशल मंत्र बताऊंगी, लेकिन इससे पहले येलो कलर के बारे में कुछ खास बात जानते हैं। आज मैं आपको येलो कलर के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगी। येलो कलर, पीला रंग सिग्निफाई करता है क्रिएटिविटी, प्रोटेक्शन, बुद्धि, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी। आपने देखा है कि हमारे देश में ज्यादातर साधु संत या जिन लोगों को हम पूछते हैं, जैसे साईं बाबा, वो ज्यादातर पीले कपड़े में दिखते हैं। क्यों?
आज आप समझेंगे येलो कलर से हम कैसे फायदा पा सकते हैं, ये जानते हैं। घर के मेन दरवाजे के आसपास की दीवार पर येलो कलर यूज करें, घर की सुरक्षा होगी। पेंट नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, गेट के आसपास पीली टेप तो चिपका सकते हैं, उतना ही कर लीजिए। जिन लोगों की बोन्स वीक हैं, जिसके कारण फ्रैक्चर जल्दी हो जाते हैं, इन लोगों को पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए। पीले रंग से बोन्स स्ट्रांग होती हैं। और एक बात बताती हूँ, जिन्हें बिहेवियर में प्रॉब्लम रहती है, वो पीले रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें, बिहेवियर में सुधार आएगा। फाइनेंशियल गेन्स के लिए कैश बॉक्स के लॉकर में पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और पैसे को बढ़ता हुआ देखें। रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए लिविंग रूम में साउथ वेस्ट की दीवार पर पीला रंग यूज करें, रिश्ते बेहतरीन होंगे। चलिए येलो कलर से जुड़े कुछ खास उपाय जानते हैं। पिसी हल्दी में पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट से घर की बाउंड्री पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इससे घर में प्रोटेक्शन होगी, किसी की नजर नहीं लगेगी। रात को सोने से पहले एक ग्लास गर्म दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर रोज पिएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बुद्धि बढ़ेगी। कॉन्फिडेंस मणिपुर चक्र से आता है और मणिपुर चक्र का कलर है पीला। अच्छा, पीले रंग से जुड़े मंत्र को कैसे यूज करना है ये जानते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आपको बोलना है आई एम सेंटर्ड। आई एम सेंटर्ड यानी कि मैं केंद्रित हूँ। इस मंत्र को रोज सुबह 21 बार मनी मन बोले, ऐसा कुछ ही दिन लगातार करें। धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी और मन शांत होने लगेगा। बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के लिए हम क्या स्पेशल कर सकते हैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले चार राशियों की बात। मेष राशि के लोग कागज पर इच्छा लिखें और अपनी जेब में रखें, वापस आते समय अपने ऑफिस में ही कहीं छुपाकर रखाएं, इच्छा जरूर पूरी होगी। लकी टाइम इवनिंग 7:45 PM। वृष राशि वाले लोग मोगरा या फिर इत्र अपने हाथ के सेंटर पे लगाएं और दिन को सुपर लकी बनाएं। लकी टाइम आफ्टरनून 2:50 PM। मिथुन राशि वाले लोग जितना हो सके चाय या कॉफी को अवॉइड करें, दिन भर आपकी पावर बरकरार रहेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 1:35 PM। कर्क राशि के लोग अगर स्मोकिंग करते हैं तो आज ना करें, नहीं तो आपके आइडियाज सब के सब फ्लॉप हो जाएंगे। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। आपके बच्चे भूल जाते हैं, आपके बच्चे एग्जाम में जितनी तैयारी के साथ जाते हैं आधे पॉइंट भूल जाते हैं, फिर कैसे बढ़ा सकते हैं बच्चों की मेमोरी आपको बताऊंगी। और कुछ ही देर में आपको बताऊंगी कि बच्चों को हम कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। बच्चों की मेमोरी और इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए एक काम करें, सुबह खाली पेट 4 से 5 काजू रात भर भिगोकर रखें और 4 से 5 बादाम भी भिगोकर रखें। सुबह शहद के साथ खिला दें। बस इतना सा इलाज आपके बच्चों की मेमोरी बढ़ा सकता है, उन्हें जीनियस बना सकता है। आपके बच्चों को स्ट्रांग बनाते हैं। और बच्चा स्ट्रांग कब होता है? बच्चा स्ट्रांग होता है जब उसका होमवर्क पूरा हो। आपके बच्चे नहीं करते ना अपने आप होमवर्क, अब करेंगे, तरीका मैं बताऊंगी। आपके बच्चे होमवर्क करने से कतराते हैं, मेरे बच्चे तो कतराते हैं, उस समय आप कैसे अपने बच्चों को मनाएं? कैसे आप अपने बच्चों को कन्विंस करें कि भाई अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से होमवर्क करो? मैं बताती हूँ, अगर बच्चा होमवर्क ना करने की जिद करे तो शांत रहें, उस समय अपना टेंपर नहीं खोएं, ना चिल्लाएं और ना बहस करें। ऐसा करने से बच्चे के मन में नेगेटिविटी और नहीं आएगी, और अगर आप चिल्लाएंगे तो नेगेटिविटी ज्यादा आएगी और वो ज्यादा जिद करेगा। बच्चे को एक टाइम लिमिट दें जिसके बीच में वो होमवर्क पूरा करे, जैसे कि अब 4 घंटे में पूरा करना है या 3 दिन में इतना सेक्शन पूरा करना है।
बच्चे की टीचर से कांटेक्ट में रहें। आप जानते हैं बच्चों को इतनी एम्बैरेसमेंट फील होती है अगर उनकी कमजोरियां बाहर तक जाएं, तो टीचर के साथ कांटेक्ट रखने में आपका बच्चा अपने आप घबराने लगेगा। इसके अलावा आप टीचर से बच्चे की जेन्युइन प्रॉब्लम भी डिस्कस करें। बच्चे की फ्रेंड बनकर उनसे डिस्कस करें, उसकी पढ़ाई की इम्पोर्टेंस उसको समझाएं। जैसे अगर मैं आपको बात बात पर समझाती हूँ कि ये काम ऐसे करें, ये काम ऐसे करें, लेकिन लॉजिक देती हूँ ना, तभी आप करते हैं, ऐसे ही बच्चों के साथ करें। बच्चों को काम टाइम से पूरा करने पर रिवॉर्ड दें। जिंदगी में जब कुछ काम नहीं करता तो रिवॉर्ड काम करता है, गिफ्ट काम करते हैं। बच्चे को गिफ्टिंग की हैबिट डालिए। बच्चे को होमवर्क की शुरुआत करने में मदद करें, ताकि आपका बच्चा अपने आप होमवर्क के पैटर्न पर आ जाए, लेकिन उसे आपके सहारे की जरूरत है। चार राशियों की बात करेंगे, आपके दिन को परफेक्ट बनाएंगे, लेकिन इससे पहले एक खास योगा की बात करते हैं। क्या है इस योगा में खास, आप खुद ही देखिए। मैं बच्चों के लिए आजकल ढेर सारी बातें आपसे करती हूँ। भाई पहले ही प्रॉमिस किया था कि बच्चों की बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे बच्चे जीनियस बन सकते हैं। तो चलिए योगा की मदद भी लेते हैं। बच्चे बनाएंगे बटरफ्लाई पोज, पैर फोल्ड कर बैठेंगे, दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ेंगे, घुटने से टांगों को बटरफ्लाई की तरह फ्लैप करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। बस ऐसा 5 से 7 बार करेंगे। बच्चे क्या ये आप भी करें, इससे बॉडी और माइंड शांत होता है, स्ट्रेस दूर होता है, सिरदर्द में आराम मिलता है और नींद अच्छी आती है। क्या ये जादू है कि आप किसी को छुएं और वो ठीक हो जाए? क्या हमारी हाथ की उंगलियों में कुछ खास बात है? आपको कुछ खास बातें बताऊंगी टच थेरेपी के बारे में, लेकिन इससे पहले वो चार राशि वाले लोग जो वेट कर रहे हैं ना मेरी, उन्हें बताती हूँ कि कल के दिन को कैसे बनाएं बेहतर। सिंह राशि वाले लोग नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करें, ना खाएं, तो दिन भर आपके एनर्जी लेवल्स किसी और ही लेवल पर होंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 AM। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपको ऑरेंज और ग्रीन जूसी फ्रूट खाने हैं। जैसे आप मौसमी खा सकते हैं, ग्रीन में कोई और जूसी फ्रूट दे सकते हैं। ये खाने से आपका दिन भर का जो स्ट्रेस है वो गायब हो जाएगा और आपका लकी टाइम आफ्टरनून 2:50 PM। तुला राशि के लोग किसी भी जरूरतमंद की मदद जरूर करें, लेकिन सिर्फ खाने पीने की आइटम से करनी है, तो 2 बिस्किट के पैकेट गाड़ी में रख लीजिए और आपका लकी टाइम आफ्टरनून 2:40 PM। वृश्चिक राशि के लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। यहाँ एक आसान तरीका बताती हूँ, फैमिली फोटोग्राफ साथ में काम पर लेकर जाएं। आपका सपोर्ट सिस्टम सुपर स्ट्रांग रहेगा और आपका लकी टाइम इवनिंग 7:50 PM। मौसम इतना गर्म है, धूप से टैनिंग तो होगी ही, पर इस टैनिंग को उतारना भी तो मेरा काम है। कैसे उतारेंगे आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले टच थेरेपी की बात। एनर्जी और इमोशंस को बैलेंस करने के लिए हाथों की हर फिंगर शरीर के ऑर्गन्स, इमोशंस, एटीट्यूड से जुड़ी हुई है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर उंगलियों पर, हाथों पर कमाल करता है। तो कौन सी फिंगर से क्या पाया जाता है, क्या इमोशन होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये जानते हैं। आपके हाथ की मिडिल फिंगर के इमोशंस हैं गुस्सा, इरिटेशन और डिसीजन ना लेना, और ऑर्गन्स हैं लिवर, गॉल ब्लैडर। और फिजिकल सिम्टम्स क्या है, आंखों की परेशानी आ जाना, थकान, माइग्रेन, सिर दर्द, मेंसुरेशनल साइकिल में प्रॉब्लम, इस तरीके की दिक्कतें। क्या करें, बार बार इस उंगली को, दोनों हाथ की मिडिल फिंगर को प्रेस किया करें। इसी तरीके से रिंग फिंगर के बारे में जानिए।
रिंग फिंगर की इमोशंस हैं सैडनेस, रिजेक्शन, डर का दुख, नेगेटिविटी। ऑर्गन्स हैं लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन। फिजिकल सिम्टम क्या है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाना, अस्थमा हो जाना, स्किन प्रॉब्लम हो जाना, कानों में दिक्कत होना। जब ये प्रॉब्लम हो तो रिंग फिंगर को यूं दबाया करें दोनों हाथ की, और कुछ ही दिनों में प्रॉब्लम जड़ से गायब। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद घर में खुशियां आएंगी, सुख शांति आएगी, इसलिए ब्रेक में हमारे साथ बने रहें। चार राशियों की बात करेंगे, आपके दिन को अच्छा करेंगे, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होता, करने से जरूर होता है। करिए और फर्क देखिए। करने से मुझे याद आया कि ब्यूटी टिप की बात भी तो करनी है। कैसे आपका सन टैन निकलेगा ये जानकारी भी तो देनी है। आप क्या करें, 2 चम्मच कर्ड में 2 चम्मच बेसन, 4 से 5 बूंदे नींबू के रस की ऐड करें। मिक्सचर को चेहरे और गर्दन पे लगाएं, 15 मिनट बाद साफ पानी से धो दें। ऐसा आप रोज अपने चेहरे पर लगाएं, आपका चेहरा खिल उठेगा और सन टैनिंग से भी बचाव होगा। आज मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रही हूँ, फेस रीडिंग का सीक्रेट। खास टिप्स ऐसी जो आपकी नॉलेज को इंस्टेंट बढ़ाएंगी। लेकिन इससे पहले चार राशियों की बात। धनु राशि के लोग शांत रहें, झगड़ा नहीं करें, झगड़ा करेंगे अपना नुकसान करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 11:35 AM। मकर राशि के लोग रेड कलर के कपड़े नहीं पहने, रेड कलर को पूरी तरह से अवॉइड करें, रेड खाना भी नहीं खाना, तभी आपकी जिंदगी में कल का दिन बेहतर होगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:30 AM। कुंभ राशि के लोग घर में दीपक या अगरबत्ती जलाएं, लेकिन सिर्फ साउथ में जलानी है, और कमाल देखिए कैसे चीजें स्पीड पकड़ती हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 10:50 AM। और मीन राशि के लोग माथे पर, कंठ पर और नाभि के अंदर, माथा, कंठ, नाभि के अंदर केसर का तिलक लगाएं और सक्सेस पाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 11:45 AM। आज आपके लिए एक स्पेशल रेमेडी है, एक स्पेशल सॉल्यूशन है मेजर प्रॉब्लम का, आसान सॉल्यूशन। लेकिन उससे पहले फेस रीडिंग के सीक्रेट्स। अगर आपके सामने एक कपल बैठा है और आपको ये पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा केयरिंग है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? सिंपल, आप उनकी पलकें देखेंगे। जिसकी आई लैशेज ज्यादा थिक है, ज्यादा लंबी है, ज्यादा घनी है, वो ज्यादा केयरिंग है। और दोनों में से जिसकी लैशेज कम घनी है, कम बाल हैं, तो वो कम केयरिंग है। अब आपके सामने एक और कपल बैठा है और आपको देखना है कि किसको गुस्सा ज्यादा आता है, किसकी ज्यादा चलती है। तो दोनों में से जिसका नाक ज्यादा लंबा होगा उसकी ज्यादा चलती होगी, और जिसका नाक जितना चौड़ा और चपटा होगा उतना ज्यादा वो सेंसिबल और स्टेबल होगा। आपकी रेमेडी की बात करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले वो तरीका जानते हैं जिससे आप और हम बात करते हैं। अगर मुझसे करनी है बात तो मेरी ईमेल आईडी को करिए नोट। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपनी प्रॉब्लम इस पर लिखकर भेज दीजिए और अपनी जिंदगी में रिलैक्स रहिए, कंफर्ट के साथ रहिए, टेंशन फ्री रहिए। आज हम पूजा का सवाल लेते हैं जो कटक से हैं। पूजा रेडियो जॉकी बनना चाहती हैं, लेकिन पेरेंट्स तो चाहते हैं पढ़ाई करें और इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब ये कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें पूजा? चलिए पूजा से बात करते हैं। पूजा, आपका क्रिएटिव हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहती हैं, जरूर बनिए, लेकिन अपनी एजुकेशन के कॉस्ट पे नहीं, पढ़ाई डिग्री जरूरी है। इसके अलावा एक काम करें, अपने घर में पूर्व और ईशान के बीच
ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में खेलती हुई डॉल्फिन का चित्र लगाएं और रेडियो जॉकी का लोगो चिपका दीजिए और देखिए कमाल। जानते हैं आज का सुपर स्पेशल उपाय जो आपकी मैरिड लाइफ फैमिली लाइफ में सुख लाएगा। आपको करना क्या है कि संडे को सोते समय चांदी के ग्लास में कच्चा दूध लेना है। अब इसे बिना ढके अपने बेड के पास में रख देना है। सुबह इस दूध को बबूल के पेड़ की जड़ में डाल देना है और घर लौट आना है। लौटते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बस समझिए कि अपने घर के कला कलेश भी वहीं छोड़ाएंगे आप, क्योंकि चंद्रमा जो मन का कारक है, खुशी का कारक है, वो दूध है, उसको बबूल के पेड़ पर छोड़ दिया। रात को सिरहाने रखकर सोए, यानी कि बासा दूध आपने चढ़ा दिया, जिससे सारी नेगेटिविटी वहीं छोड़ आए। वक्त हो गया है जाने का, पर बात करते हैं कल की। कल आपको बताऊंगी दूध और पानी से जुड़ा शकुन अपशकुन। ये भी बताऊंगी कि किसी का नाक देखकर हम उनके कितने सीक्रेट जान सकते हैं। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको और दूंगी, लेकिन अभी आप मुझे इजाजत दीजिए। कल इसी समय आपका इंतजार करूंगी। बाय बाय, टेक केयर।